नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एस्टेट के रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज रात को 9 बजे रिजल्ट घोषित कर दिया गया। मैं आपको ऑफिशियल लिंक भी दिखाऊंगा जहां से आप रिजल्ट देख सकते हैं बिहार एस्टेट का। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे हेडलाइन, अभी मैंने ये प्रभात खबर का वेबसाइट खुला हुआ है जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बिहार एस्टेट का परीक्षा 24,599 विद्यार्थी सफल, 3 विषयों का रिजल्ट अभी बाकी। ठीक है, तो बाकी सभी विषय का रिजल्ट आ चुका है। अब यहाँ पे पूरा स्टेट, पहले पूरा जानकारी को हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या अपडेट है बिहार एस्टेट के रिजल्ट के बारे में। फिर रिजल्ट का लिंक भी आपको इसी वीडियो में मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो बिहार परीक्षा में माध्यमिक पात्रता 2019 का रिजल्ट औपचारिक तौर पर शुक्रवार को घोषित किया गया था। ठीक है, तो मतलब आज शायद कौन सा तारीख है, शुक्रवार ही होगा। कमेंट करके आप लोग बताइएगा, मुझे लगता है कि फ्राइडे शुक्रवार है। शुक्रवार को घोषित किया गया परीक्षा में पेपर वन 16,068 और पेपर टू में 8,531 विद्यार्थी सफल हुए। इससे मतलब बिहार एस्टेट परीक्षा में कुल 15 विषयों में 12 विषयों का रिजल्ट आ चुका है। सिर्फ 3 विषय जिसमें कि उर्दू विज्ञान या उर्दू संस्कृत विज्ञान का अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने रिजल्ट जारी किया। ठीक है, आगे देखिए। शिक्षा विभाग के सभाकर में परीक्षा परिणाम घोषित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तीर्ण हुए सभी परीक्षार्थियों की नियुक्ति करीब करीब पक्की समझी जानी चाहिए। परीक्षा फल घोषित करने के दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर और डॉक्टर रंजीत, शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन जिन परीक्षा का फल निकला है उनकी नियुक्ति 7वें चरण में होगी। यहाँ देखिएगी, यहाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखा हुआ है शिक्षा मंत्री चौधरी ने कहा कि जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा फल निकला है उनकी नियुक्ति 7वें चरण में की जाएगी। ठीक है, और भी देख लेते हैं। 7वें चरण की नियोजन प्रक्रिया 6ठे चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद की जाएगी। उन्होंने कहा कि समय पर परीक्षा परिणाम आने का मतलब सीधा संकेत है कि सरकार अपने राज्य के युवाओं को रोजगार देना चाहती है। ठीक है, समय पर पारदर्शिता पूर्ण रिजल्ट। शिक्षा मंत्री ने बिहार परीक्षा आनंद किशोर को पुरजोर प्रशंसा की। आगे देखिएगा, कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि नेतृत्व में परीक्षा समय पर रिजल्ट जारी किया ताकि, ठीक है, कोविड का भी दौर था। इसी बीच जिन 12 विषयों का परीक्षा फल जारी किया गया उनमें 15,000 उनमें कुल 1,54,951 विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया था। ध्यान दीजिएगा, 1,54,000, इन 12 सब्जेक्ट में 1,54,951 बच्चों ने परीक्षा दिया था। और इस परीक्षा के पेपर वन में कुल 1,09,667 परीक्षार्थियों ने एवं पेपर टू में कुल 45,284 परीक्षार्थियों शामिल हुए थे। ये आपको ध्यान देना है कि टोटल लगभग 1,54,000 बच्चों का रिजल्ट मतलब एग्जाम में अपियर हुए थे, जिनमें से आप देख सकते हैं कि पेपर वन में कितने बच्चे अपियर हुए थे और पेपर टू में कितने बच्चे अपियर हुए थे। 2 अप्रैल को होगी परीक्षा, 106 परीक्षाओं के रिजल्ट। तो ये शायद बिहार के बारे में ही बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो 2 अप्रैल को शायद हो सकता है कि बाकी जो है ना उनका रिजल्ट घोषित किया जाए। और 6ठे चरण की नियुक्ति जरूर होगी। 6ठे चरण में 90,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी और 30,000 से अधिक माध्यमिक शिक्षक की लंबित नियुक्ति को के संदर्भ में चौधरी ने कहा कि धैर्य रखना चाहिए, हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, मामला अभी हाईकोर्ट में आलंबित है। जो भी है, तो ये चीज आपको बताया गया। ठीक है, तो अब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कुल मिला के यहाँ पे जो रिजल्ट आया है अभी इस पेज में। तो इस पेज में 3 विषय को छोड़ दे जहाँ पे 1,51,000 बच्चों का रिजल्ट एग्जाम दिया था, उसमें से केवल 24,000 बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है कि केवल 24,000 बच्चे पास हुए हैं। और पेपर टू में अगर बात करें तो पेपर टू में केवल 8,000 बच्चे ही पास हुए हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, दोनों मिला के 16,000 यहाँ पेपर वन में और पेपर टू में 8,000 बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, 8,531 बच्चे, तो दोनों पेपर में मिला के ही 24,000 रिजल्ट आया है। तो मतलब काफी कम बच्चों का सिलेक्शन हुआ है क्योंकि यहाँ वैकेंसी लगभग 37,000 के आसपास थी। अगर हम बात करें ऑफिशियल लिंक के बारे में, तो लिंक आपको देखने को मिलेगा, मैं देख लेता हूँ किसी और वेबसाइट पे, यहाँ पे मैं किसी भी वेबसाइट पे आप चले जाइए, आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं अभी देखता हूँ, यहाँ आपको मिल जाएगा लिंक। ठीक है,
गूगल में मैं आप सर्च कीजिएगा, गूगल में भी सर्च कीजिएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा। डाउनलोड एग्जाम डिटेल मैं देख लेता हूँ। लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए ये जो देख रहा है ना, ये बिहार, यहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है और लॉगिन देना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे लॉगिन कीजिएगा, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ। थैंक यू।